मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन। मित्रों यूज़ को देखते हैं तो यूज़ के आधार पर जो व्हीकल्स होती हैं, वाहन होते हैं, इनको दो पार्ट में देखा जाता है। कौन से? एक तो प्राइवेट व्हीकल्स और एक कॉमर्शियल व्हीकल्स। हम समझने के लिए ये बात कह रहे हैं। और प्राइवेट व्हीकल्स जो होते हैं उनको चलाने के लिए जो लाइसेंस है, उस लाइसेंस का ये कैटेगरी है कि अगर 7500 केजी तक उस व्हीकल, चाहे वो कार हो या कोई भी छोटा वाहन हो, जिसका वजन 7500 तक है, उसको चलाने की के लिए जो लाइसेंस है उसको हम कहते हैं LMV लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। तो अगर किसी के पास, जो सबके पास होता है, आपके पास भी होगा, उस वो लाइसेंस क्या कहलाता है? लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। और ये किन गाड़ियों को चला सकता है? इसका होल्डर, इसको रखने वाला, इसका धारक, ऐसी किसी भी छोटी गाड़ी को चला सकता है जिसका वजन 7500 मतलब 7500 किलो तक है, उसके लिए ये चला सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिसका वजन 7500 किलो से भी ज़्यादा है तो उसको चलाने के लिए जो लाइसेंस होगा वो अलग होगा। वो कौन सा होगा? हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। तो उसको हम कहते हैं HMV, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। अब ये तो बात कॉमन हो गई। अब एक क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि अगर कोई गाड़ी है, कोई कार है, कोई वाहन है छोटा, जिसका वजन 7500 किलो तक या उससे नीचे नीचे है, तो क्या उसको चलाने के लिए लाइट मोटर व्हीकल LMV वाला सर्टिफिकेट होल्डर, जैसे आप और हम लोग हैं, सब हैं, तो क्या उस गाड़ी को भी चला सकते हैं जो कॉमर्शियल है? कॉमर्शियल मतलब जो, जैसे टैक्सी है जो पैसेंजर को ले जा रही है, जो कुछ माल को ढोते हैं इधर से उधर, ट्रांसपोर्ट करते हैं इस तरह के, या बसेस हैं छोटी मिनी बस, तो इनको जिसमें कि कॉमर्शियल वाहन की कैटेगरी में है, क्या उसको भी चला सकते हैं? ये एक क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन आया क्यों? क्या ऐसे गाड़ी को कोई चला रहा है जो कि टैक्सी है या कोई माल ढोने वाला है, लेकिन उसका वजन तो 7500 से कम है, तो क्या उसको लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होल्डर, जैसे मैंने बताया जन सामान्य सभी होते हैं, तो उन वो चला सकते हैं, तो चालान की स्थिति क्या होगी? और दूसरा क्वेश्चन ये कि दुर्घटना होने पर उसको बीमा, उसको इंश्योरेंस क्लेम की क्या स्टेज है उसका? अब इन दोनों को जब तय करने के लिए एक ऑनरेबल, ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी 6 नवंबर को अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर के द्वारा तय किया गया। तो हम उस ऑर्डर को ले लेते हैं और उसके फैक्ट्स को लेंगे, वो क्या केस था ये भी समझेंगे, और उसके साथ साथ हम इस बात को भी समझेंगे कि अगर कोई छोटी गाड़ी, कोई कॉमर्शियल व्हीकल है, कोई जो ट्रांसपोर्ट करने वाली व्हीकल है, लेकिन उसका वजन 7500 से कम है, तो क्या उसको LMV लाइसेंस धारक, जिसके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस है, वो चला सकता है, उसका चलाना लीगल है या नहीं है? तो सबसे पहले हम उस पर आते हैं कि केस कौन सा है। केस है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज रंभा देवी, सिविल अपील नंबर 841 ऑफ 2018। और अभी इसमें जजमेंट आया है 3-4 दिन पहले, 6 नवंबर को ये इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है। अब इसको हम समझेंगे, तो इसको समझने के लिए मित्रों इसके फैक्ट्स पे समझ लेते हैं। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी यह है कि एक ऑटो रिक्शा जा रहा था, उसमें एक पैसेंजर, एक आदमी बैठा हुआ था, उसके एक्सीडेंट हो गया, वो पलट गया, और उस एक्सीडेंट में उसमें जो बैठा हुआ आदमी था उसकी डेथ हो गई। उसके जो फैमिली के मेंबर्स थे उन लोगों ने उस पर MACT कोर्ट में एक मुआवजे के लिए एक केस डाला, और MACT कोर्ट के सामने एक बात आई कि जो बजाज, उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो बजाज अलायंस थी, तो उन्होंने ये कहा कि जो ड्राइवर था इस टेम्पो को चलाने वाला, इस थ्री व्हीलर को, ऑटो रिक्शा को चलाने वाला जो ड्राइवर था, उसके पास लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस था, कॉमर्शियल नहीं था। तो कॉमर्शियल क्या होता है ये भी बता दें। इसके लिए उनका कहना ये था कि इसके में कॉमर्शियल की इंडोर्समेंट, RTO के द्वारा कॉमर्शियल इंडोर्समेंट किया जाता है, वो इंडोर्समेंट नहीं किया हुआ था, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, क्योंकि ये इंटाइटल नहीं था
एक कमर्शियल व्हीकल को चलाने के लिए, इसलिए इसको कोई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई बारीक, कि वो LMB लाइसेंस होल्डर था, लेकिन उसने कहा क्योंकि कमर्शियल, ये जो थ्री व्हीलर था कमर्शियल कैटेगरी का था, उसको चलाने के लिए एंडोर्समेंट होता है, वो नहीं था, इसलिए कोई क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो MACT कोर्ट ने ये वाली बात मानी कि हाँ भाई कमर्शियल व्हीकल था लेकिन इनके पास एंडोर्समेंट नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा क्योंकि उस समय परिवार ख़त्म होने की स्थिति पर आने लगता है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूरियां होती हैं, तो MACT कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि इस बजाज एलायंस को कि 5 लाख रुपए का मुआवजा इनको दे दीजिए, और आपको हम ये परमिट देते हैं कि इस टेम्पो के ऑनर से आप वसूल सकते हैं अपनी कार्रवाई करके। तो ये ऑर्डर MACT कोर्ट ने दिया। तो बजाज एलायंस के सामने ये क्वेश्चन आया कि जब कोर्ट ये कह रहा है कि कॉमर्शियल परमिट नहीं था और उनका जो लाइसेंस था वो लाइसेंस उस गाड़ी को चलाने के लिए नहीं था, तो फिर किस बात का 5 लाख रुपए, किस बात का मुआवजा? तो इस ग्राउंड को लेकर के बजाज एलायंस कंपनी हाईकोर्ट पहुंच गई। अब हाईकोर्ट के सामने जब ये मैटर आया तो हाईकोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ली। जैसा मैं बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, हाईकोर्ट की रूलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। तो हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग का सहारा लिया। वो मामला था मुकुंद देवागन वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा था कि भाई चाहे अगर वो कोई भी व्हीकल जिसका वजन 7500 तक है उसको चलाने के लिए कोई भी कॉमर्शियल कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, अगर उसके पास LMB है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो उसको किसी भी तरह से कंपनसेशन, उसको मुआवजा, उसको क्लेम देने से मना नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट रूलिंग हाईकोर्ट के सामने थी। हाईकोर्ट ने इसी रूलिंग का सहारा लिया और ये पाया कि क्योंकि उसके पास जो टेम्पो चला रहा था उसके पास LMB लाइसेंस था, इसलिए वो पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी को 5 लाख रुपया मुआवजा देना होगा, और जो MACT कोर्ट ने जो कंडीशन लगाई थी कि वो बाद में वसूल सकती है इंश्योरेंस कंपनी उसके मालिक से, वो कंडीशन भी हाईकोर्ट ने हटा दी। अब बजाज एलायंस कंपनी कहाँ पहुँच गई हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए? सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये क्वेश्चन उठा तो 2 जजों की बेंच में ये मैटर आया, तो उस पर उन्होंने कहा बजाज एलायंस ने कि साहब ये जो पहले जिस रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की, जिस रूलिंग को लेकर के हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर नहीं किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रूलिंग थी 3 जजों की, तो 2 जजों की बेंच ने इसलिए उसको 3 जजों को रेफ़र कर दिया कि ये 3 जजों की रूलिंग पर 2 जज की बेंच जो है वो कमेंट नहीं कर सकती, नहीं, इसलिए उसको उन्होंने रेफ़र कर दिया 3 जजों के लिए। जब 3 जजों की बेंच के पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने देखा कि जो रूलिंग है वो भी 3 जज की है और हम भी 3 जज हैं, इसलिए उसको ओवर रूल नहीं किया जा सकता, लिहाजा उन्होंने 5 जजों की बेंच के लिए ये मैटर रेफ़र कर दिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अभी 6 नवंबर का जजमेंट आया ये 5 जजों का की बेंच का जजमेंट है। इस तरह से ये मामला पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के सामने। अब उन्होंने जब डिटेल से इसमें जब पाया, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्या कि गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसको पीछे पैसेंजर बैठे हैं, मालिक परिवार फैमिली फैटी है या कोई बाहर के लोग बैठे हैं जिनसे उसने किराया लिया है, इसके चलाने से क्या अंतर पड़ता है? बहुत सारी ऐसे और भी ग्राउंड थे, समय की वजह से उनको मैं शॉर्ट में लेता हूँ। कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष निकाला गया कि अगर उसके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो वो चाहे व्हीकल कॉमर्शियल हो, चाहे वो माल ढो रहा हो, चाहे वो पैसेंजर बैठा लगे हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटाइटल है, फुल्ली इंटाइटल है उसको चलाने के लिए, इस ग्राउंड पर कि उसके पास कॉमर्शियल इंडोर्समेंट नहीं था, इसको कंपनसेशन देने से, मुआवजा देने का क्लेम देने से मना नहीं किया जा सकता। इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश को अप्रिशिएट किया गया और कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा, निष्कर्ष आने लगा कि ये कि अगर कोई भी लाइट मोटर व्हीकल जिसका वजन कोई भी कार, ऑटो रिक्शा, सेडान, पिकअप, मिनी ट्रक, SUV, डिलीवरी वैन, जीप, टैक्सी कोई भी हो, चाहे वो पैसेंजर बैठा रहा हो,
चाहे वो माल ढो रहा हो या वो उसका पर्सनल फैमिली का के लिए हो। अगर उसका वजन केवल एक क्राइटेरिया तय हो गया, क्या 7500 से नीचे अगर वजन है तो उसको हर वो आदमी चलाने के लिए इंटाइटल है जिसके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइव करने का लाइसेंस है। इसके अलावा अब कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। इसकी वजह से जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं, इनकी इनको बहुत राहत मिली और ये अब डाउट क्लियर हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ गया और इसने ये लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी कि अगर लाइट मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस है तो वो 7500 किलो का कोई भी तक का कोई भी, चाहे वो कार हो, जीप हो, कोई भी वाहन हो, वो चलाने के लिए फुल्ली इंटाइटल है। इम्पॉर्टेंट जानकारी है मित्रों, मैंने आपको दे दी। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि इस तरह की इम्पॉर्टेंट जानकारियों को आप अपने ग्रुप में, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, जिससे सब लोग इस तरह के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग्स आ रही हैं उनसे विज्ञ हो सके, उनसे उनकी जानकारी वहाँ तक पहुँच सके, उसका लाभ सबको मिल सके। नमस्कार।